हेलो फ्रेंड, मैं अनामिका। वेलकम टू अनामिका क्रिएशंस। आज मैं आपको अलसी के बारे में बताऊंगी और उसे कैसे रोस्ट करते हैं। ये देखिए कि अलसी इस तरीके का दाना होता है। अलसी बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएँ और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि अलसी एक ऐसा चीज है, इसे तीसी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे फ्लैक्स सीड कहा जाता है। और ये इसमें ओमेगा 3 होता है और खासकर लेडीज के लिए जिन्हें पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग एक्सेस होती होगी या वाइट डिस्चार्ज होते हैं, वो अगर रोज अलसी खाएं किसी भी रूप में तो बहुत ही फायदेमंद होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलसी की चटनी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही टेस्टी भी होती है, तो आपको हेल्थ के साथ टेस्ट भी अगर मिले तो और भी बढ़िया रहता है। तो वो अलसी की चटनी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको अलसी को रोस्ट कैसे करेंगे वो बता रही हूँ। तो अलसी को रोस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई को गर्म कर देना है। गैस ऑन कर दिया है मैंने और ये कढ़ाई ऐसे हाथ से अगर इसे ऊपर रखेंगे तो ये गर्म दिखने लग जाती है। और अब इसमें हम अलसी को डाल देंगे। अलसी डालते ही हमें इसे चलाते रहना है और फ्लेम इसका मीडियम टू हाई ही होना चाहिए। कम फ्लेम पे ये नहीं भुनेगा। अलसी को रोस्ट करने के लिए हमें हाई फ्लेम ही चाहिए होती है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही आप इसे रोस्ट करें और इसे चलाते रहें ऐसे। और जब तक अगर ये अलसी भुन जाएगी तो इसमें से फूटने की आवाज़ आएगी बिल्कुल। और अलसी आपको मैं बताऊं, जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हर कोई अगर अलसी खाता है तो उसके लिए स्किन की जिसको प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज होती है या चेहरे पे झुर्रियाँ बन जाती हैं तो अलसी बहुत फ़ायदेमंद है उसके लिए। एक तरीके से कहा जाए तो लगभग हर बीमारी में अलसी फ़ायदेमंद है। तो अगर अलसी का आप रोज़ सेवन करते हैं, रोज़ अगर आप एक चम्मच भी अलसी किसी भी रूप में ले लेते हैं, आप इसे रोस्ट करके इसका पाउडर बना के और सुबह वैसे भी खा सकते हैं। और लेकिन मैं तो इसे चटनी बनाती हूँ अलसी की। इसको रोस्ट कर लिया उसके बाद इसको पीस के मिक्सी में, या तो आप खलबट्टे पे कूट लें या मिक्सी में पीस लें। मिक्सी में पीसने के बाद इसे इसमें नींबू, प्याज, हरी मिर्च ये डाल के, और कई बार हम आम की खटाई भी डाल देते हैं, आम का अचार थोड़ा या तो डाल दीजिए। और उसके बाद उसे हम कच्चा प्याज रोस्ट करके, हरी मिर्च, तो टेस्ट और हेल्थ दोनों आ जाती है। नींबू भी फायदेमंद है हेल्थ के लिए, नींबू के साथ और भी इसका गुण बढ़ जाता है। तो अब ये देखिए हल्की हल्की आवाज़ आनी शुरू हो गई है फूटने की। इसमें 5 से 7 मिनट मुश्किल से लगते हैं इसे रोस्ट होने में। ये देखिए पूरा अलसी ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। ये देखिए ये अलसी अब पूरी तरह से रोस्ट हो चुकी है और लगातार हमें इसे चलाते रहना है। ये ध्यान देना है कि हमें लगातार इसे चलाते रहना है। देखिए इसमें फूटने की आवाज़ आने लग गई है पूरी। अब ये उड़ने लग जाता है तो आप किसी ढक्कन से इसे ढक दें। ये देखिए ये तो उड़ के चेहरे पर पड़ेगा। किसी चीज़ से ऐसे ढक के और चलाते रहें इसे ऐसे। ये देखिए आवाज आ रही है ना पूरी, और नहीं तो उड़ के ये बाहर चली जाएगी। ये देखिए पूरी फूट गई। इससे थोड़ा ऊपर किसी चीज से इसे ढक दें हल्का, बिल्कुल बंद नहीं करें, और इसे ऐसे चलाते रहें। ये देखिए पट 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 की आवाज आ रही है ना, ये दाने सारे फूट जाएंगे इसके। और अब इसे ठंडा करके आप किसी भी बर्तन में रख लें या फिर ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में पीस लें। ये देखिए पूरी हर एक दाना इसका फूट जाएगा। ये देखिए आवाज आ रही है ना फूटने की आपको। बस जब फूटने की आवाज आने लग जाए, पूरा फूट जाए, फूटने की आवाज आनी बंद हो जाए, इसका मतलब कि ये पूरा रोस्ट हो चुका है। अलसी के रोस्ट का यही तरीका है। रोस्टेड अलसी तो और भी फायदेमंद होती है। कई लोग इसे पैक के रूप में भी लगाते हैं, फेस पैक के रूप में भी लगाते हैं अगर किसी को दाने निकल आए हों चेहरे पे। और गर्मियों में कई बार घाव, फोड़े, फुंसियाँ हो जाते हैं, तो अलसी का पेस्ट लगा लीजिए आप
चेहरे पे, तो सारे दाने वगैरह भी निकल जाते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो मैं इतनी बीमारियों के नाम ले हैं जो अलसी से ठीक हो जाते हैं, खासकर लेडीज के लिए तो बहुत ही स्पेशली फायदेमंद है। ये देखिए कितनी फूटने लग गई है पूरी, ये देखिए अभी तक ये फूट रही है पूरी। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ अलसी को रोस्ट कैसे करेंगे। इसके लिए पूरे दाने इससे अलग अलग होने लग गए हैं, छिलके और अंदर के दाने, ये देखिए। हर एक दाना फूट के अलग हो जाता है और ये जो अलसी होती है इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। अलसी को हम दाल के साथ भी, इसका पाउडर दाल के साथ भी लें तो बहुत टेस्टी लगती है और हेल्थी में दाल में नींबू डाल के और ये अलसी पाउडर डाल दें वो भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। फिर से पूरा उड़ निकल गया, अभी से हल्का सा ही लग गया, नहीं तो ये चेहरे पे उड़ के पड़ जाती है। तो बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये पूरी हो चुकी है, अब ये कलर भी देखिए इसका कितना बढ़िया हो गया है, ये देखिए। फूटने की आवाज होनी बंद हो गई बिल्कुल, देखिए पूरी फूट चुकी है इसका मतलब अभी। ये देखिए ये रोस्ट होने के बाद मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, ऐसे दाने देखिए बिल्कुल पूरे फूटे हुए ऐसे फूट गए हैं, दाने फूट के अलग हो जाते हैं और ये अंदर का दाना ये हो जाता है। अब इसे किसी सूखे बर्तन में रख के इसको हल्का सा हाथों से ऐसे रगड़ लेंगे, जब ठंडा हो जाए तो, गर्म में तो आप रगड़ नहीं सकते इसके, ताकि जो कचरा होगा थोड़ा बहुत छिलके के ऊपर वो निकल जाएगा। अगर बिल्कुल साफ सुथरी अलसी है तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा भी कचरा होगा तो अगर थोड़ा रोस्ट करके उसको छन्नी से छान लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अलसी में थोड़ा भी कचरा रह जाता है तो दांतों पे ये लगती है तो सारा टेस्ट इसका बिगड़ जाता है। तो चलिए आपको अब अलसी रोस्ट करना हमने बता दिया है, तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताना। थैंक यू सो मच।